लक्ष्मण मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्राचीन खजुराहो के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में स्थित है। लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो से मिला रोवर्मन ने उनके अवसान से पहले खजुराहो में वैकुंठ विष्णु का मंदिर का निर्माण करवाया था। इससे यह मालूम होता है कि लक्ष्मण मंदिर करीबन 930 से 950 के मध्य में इसका निर्माण करवाया था। खजुराहो पर्यटन स्थल अलंकृत मंदिरों के कारण पहचाना जाता है। यह मंदिर भारत के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्थापत्य शैली के इमारतें हैं। 98 लंबे और 45 चौड़े मंदिर के अधिष्ठान की जगती के चारों कोनों पर चार खूंटरा मंदिर बने हुए हैं। इसके ठीक सामने विष्णु के वाहन गरुड़ के लिए एक मंदिर था। गरुड़ की प्रतिमा अब लुप्त हो गई है। वर्तमान में इस छोटे से मंदिर को देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण मंदिर से ही प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है कि चंदेल वंश की सातवीं पीढ़ी में हुए यशोवर्मन लक्ष्वर्मा ने अपनी मृत्यु से पहले खजुराहो में वैकुंठ विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया था। There is Vaikunth Vishnu. And if any old temple will be a Vishnu, na, then at the entrance gate of Sanctum Sanctorum, you will see the figure of Jai and Vijay. If this will be of pure Parvati, in place of Jai Vijay, you will see the figure of Ganga and Vishnu. So this is fourth part of the temple called Antarala. People are standing there for Aarti and all. There is Sanctum Sanctorum. And if any temple do have this kind of ambiguity inside, then the temple will be called of Santhara Spike. And does not have a great deal to be of Nirandhara style. Devi Jagadamba is Nirandhara style. Kandariya is Santhara style. Santhara are bigger in size. Nirandhara is smaller in size. Yavasa can be made around this year. इसके मंडप और महामंडप की छतों के पीले खपरों की छाजन के समान है। डॉट महामंडप की छत के पीरों के सिरों का अलंकरण अंजलिबद्ध नागों की लघु आकृतियों से किया गया है। डॉट मंडप की छत पर लटकी हुई पत्रावली के साथ कलश का किरीट है। डॉट इस मंदिर के मंडप और महामंडप की छतें स्तूपाकार है। डॉट मंदिर के महामंडप में स्तंभों के ऊपर आलम्बन बाहुओं के रूप में अप्सराएं शिल्प कला की अनुपम कृतियां हैं। इस मंदिर की मूर्तियों की तरंगायित शोभा गुप्ता शैली से प्रभावित है। मंदिर के कुछ स्तंभों पर बेले बूटों का उत्कृष्ट अलंकन है। मंदिर के मकर तोरण में योद्धाओं को बड़ी कुशलता से अंकित किया गया है। खजुराहो के मंदिरों से अलग इस देव प्रासाद की कुछ दिग्पाल प्रतिमाएं द्विभुजी है और गर्भगृह के द्वार उत्तीर्ण कमल पात्रों से अलंकृत किया गया है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के सिरदल एक दूसरे के ऊपर दो स्थूल सज्जापटियां हैं। निचली सज्जापटी के केंद्र में लक्ष्मी की प्रतिमा है। इसके दोनों सिरों के एक ओर ब्राह्मण तथा दूसरी ओर शिव की प्रतिमा अंकित की गई है। इसमें राहु की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं। द्वार शाखाओं पर विष्णु के विभिन्न अवतारों का अंकन हुआ है। गर्भगृह में विष्णु की त्रिमुख मूर्ति प्रतिष्ठित है। मंदिर के जंघा में अन्य मंदिरों की तरह एक दूसरे के समानांतर मूर्तियों दो बंद है। इनमें देवी देवताओं शार्दूल और सुर सुंदरियों की चित्ताकर्षक तथा लुभावनी मूर्तियां हैं। मंदिर की जगती पर मनोरंजक और गतिशील दृश्य अंकित किया है। इन दृश्यों में आखेट युद्ध के दृश्य हाथी घोड़ा और पैदल सैनिकों के जुलूस अनेक पारिवारिक दृश्यों का अंकन मिलता है। लो ये तो घोड़े से जा रहे हैं और ये पता नहीं क्या क्या कर रही हैं यार। यहाँ तो सिस्टम ही अलग ही चल रहा है यार। देखो भाया इनका
माया इनका तो कोई सर ही उड़ा दिया। चलो भाई उठो, क्या सिस्टम बनाया भाई। तो अब चलते हैं, इसकी एंट्री ले लें। पता नहीं यार यहाँ कौन कौन है, पता चले अंदर जाएं तो वाला अंदर ही रह जाएं, इससे अच्छा अंदर मत जाओ। पता नहीं यार कौन है। नहीं भाई अंदर नहीं जाना है, डर लग रहा है, मेरी गांड फट रही है। तो अपन इसको ना देख लिया कंप्लीटली, अपन चलते हैं। ये कुछ इनकी लिखा है, पता नहीं साला कौन लैंग्वेज में लिखा है। जिसको पढ़ना आता होगा तो वो बताएगा है ना कि साला क्या लिखा है इसमें। पता ही नहीं साला क्या लिखा है। तो अब हम रिवर्स चलते हैं, नीचे उतरते हैं। ओ भाई ये पंडित जी आ रहे हैं। कार्बन डाटा सर उसका एक नाप है, जितनी मूर्ति सजीव निकल गई वो बेची गई और नहीं निकाल पाया, जैसे मानते हो निकालते हुए टूट गई तो उसकी वैल्यू घट गई। लूट के चोरी के देखो ब्रिटिश संग्रहालय में देखो 3,84,000 मूर्तियाँ अपने आप रही है। जमाने में एक एक ब्लॉक को जब लेके आते थे ना सर, नंबर के आधार पर ही एक एक दूसरे को सिमेट्री पे बनाते थे, देखिए आज भी नंबर डले हुए हैं जो तुम्हारे की पाली भाषा दर्शाती है। देखो ना कहाँ ये क्या है, जरूरी है नंबर नहीं होते तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता कौन सा ब्लॉक कहाँ से करना है हमको। करोड़ों ये साला गाइडर है तो चूंती आपा काट रहा। मिले ही नहीं कभी और लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए थे डिक्लाइन होने के बाद, कोई मोशन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था। जब जब कोई चीज यहाँ की ना जितनी मूर्तियाँ हैं सब खंडित हैं, बाकी जो खंडित नहीं है उसको यहाँ से चुरा ही ले गया है। हम सर 22 तारीख से घर से बाहर है, अपने घर की याद आ रही है। ये मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट है।